लोगों को लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो उन लोगों को कहते अज्ञान लोग। अज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों को देख करके हंसते हैं, देखो पागल ही, देखो बैठ के आग बंद करके क्या तो करता है। क्यों? पागल खाना में अगर पागल आदमी है तो वो सोचता है हमेशा हम सही हैं, हम पागल नहीं, लेकिन बाकी पूरा दुनिया को पागल है। हमेशा पागल खाना में लोग सोचता नहीं ऐसा पागल आदमी। वैसा संसार के रहने वाले पापी लोग भी सोचते हैं, झूठ मूठ ज्ञान सुनना है कोई मतलब का नहीं, ऐश करो खाओ पियो, पता नहीं कब तक जीवन रहेगा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, अच्छा से खाओ पियो, उधार से भी लेकर के खाओ, अगर अगले सप्ताह मरने वाले हैं तो करोड़ों रुपए उधार लेके खाओ मर जाओ। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जो कुछ करता है वो पीछे पीछे आ जाता है, कभी किसी को बच नहीं सकता। माँ एवं पिताजी बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, बहुत पसीना बहा के एक एक रुपया कमाते हैं। कोई कोई बदमाश बच्चा लोग हैं, झूठ बोलकर माँ पिताजी से पैसा मांगते हैं, कपड़ा हमको कपड़ा खरीदना है, हमको वो काम, स्कूल है काम, ट्यूशन फी है, ऐसे करके पैसा बर्बाद करता है माँ एवं पिताजी का। भगवान बुद्ध ने बताया वो लोग जन्म जन्म में माँ एवं पिताजी का घर में बैल बन जाता है, गाय बन जाता है, फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा। गाय का भी मंथली सैलरी लेता है क्या? नहीं, उधार वापस करना पड़ता है। कभी कभी दूसरों का घर में रहता है, सिर्फ खाते पीते रहता है, कुछ काम नहीं करता है, खाता है सोता है, पाप मिलता है। अपना घर में भी माँ पिताजी बहुत मेहनत करके कमाने वाले पैसा कोई कोई बदमाश बच्चा लोग के आराम से खाता है पीता है सोता है टीवी देखता है बाजार में घूमता है। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा लोगों को बहुत पाप मिलता है। हम लोग इस जीवन में अकेले आया है, साथी बन के नहीं। आप इस जीवन में अपना माँ पिताजी के साथ है लेकिन मरने तक, शायद माँ मरने तक, पिता मरने तक, या आपकी मृत्यु होने तक। मरने के बाद पाप किए हुए लोग पापी जन्म पाते हैं। इसलिए इस दुनिया में एक चीज है कभी भी नहीं करना चाहिए, वो क्या है? पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा छोटा छोटा बच्चा को सिखाना चाहिए, श्रीलंका में सिखाते कैसे, अगर छोटा बच्चा लोग मम्मी साथ बहुत गुस्सा करता है ना, सबसे ज्यादा पापा साथ गुस्सा करने में डर लगता है, डरता है, मम्मी को हाथ उठाता है तुरंत कहता है, माँ कहती है बेटा पाप मिलता है, तुरंत हाथ हटाता है। इसके बाद पापा नीचे बैठ के रहता है, बेटा कुर्सी पे बैठता है, छोटा बच्चा तुरंत माँ कहती या पापा कहता है बेटा पापा नीचे है, तुरंत वो नीचे बैठता है। माँ एवं पिताजी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाकर भगवान बुद्ध की ज्ञान अपनाएंगे तो उन लोगों का बच्चा का बहुत कल्याण होगा। बचपन से संस्कार सिखाएगा, अच्छा बुरा सब कुछ। इसलिए हमेशा आप लोग क्या करना चाहिए, अपना परिवार के लोगों को अच्छा संस्कार सिखाना चाहिए।
अच्छा संस्कार क्या है? माँ को इज्जत करना है, पिताजी को इज्जत करना है, माँ एवं पिताजी मेहनत करके कमाने वाले धन को रक्षा करना है और फालतू बर्बाद नहीं करना है, गुरु लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना है, संत लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना है, मेहनत करके पढ़ाई करना है, ध्यान करना है, उपोषित पालन करना है। ये सारे संस्कार कोई भी अगर सीखेंगे तो उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं है तो क्या होता है, कुछ भी पाप करेगा तो वो पीछे पीछे आ जाता है। हम आपको बताएं ना, यहाँ के लोग जल्दी कुछ देता नहीं है, खंजू से। अगर आप लोग भी कुछ देता है तो भगवान बुद्ध की रास्ता पे आने के कारण देता है, नहीं तो देते हैं हम इसको क्यों देंगे, कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध की धर्म इस भारत से खत्म होने के बाद सभी लोग पुण्य करना छोड़ दिया, दान देना छोड़ दिया। पहले ऐसे नहीं था, जो गरीब था वो भी दान दिया था, अमीर था वो भी दिया था, जो झोपड़ी में है वो भी दान दिया था, भिखारी लोग हैं उन लोग भी ध्यान कर रहा था, सारे भिखारी नहीं कोई कोई लोग। उसी समय एकदम अलग टाइम था भारत का, वर्तमान ऐसा नहीं। कौन देता है दूसरों को? अपना परिवार के लोगों को देगा, दूसरे को नहीं देगा कोई। इसीलिए लोभ, इन लोग नहीं देने के कारण क्या बढ़ता है, लोभ, बहुत लोभ बढ़ता है। इतना लोभ ही बढ़ता है, अभी देखिए इधर बोधगया में फॉरेन श्लोक आता है, आने के बाद हमेशा मन में आता है कैसे हम उन लोग से ठगेंगे, कैसे हम धन कमाएंगे, उन लोग के पास बहुत पैसा है। आप लोगों को इन लोग के पास पैसा बहुत क्यों दिखाई देता है? हम देखे हैं वियतनामी लोग रिक्शा दान दिया है बहुत सारा, और घर बना के दिया है, और बहुत बहुत कपड़ा कंबल बहुत बहुत दिया हम देखे थे। लेकिन वियतनामी लोग गरीब हैं, भारत से ज्यादा गरीब है वियतनाम। उन लोग के पास भगवान बुद्ध की ज्ञान है, इसलिए उन लोग देता है दूसरों को। श्रीलंका लोग भी भारत के लोग से ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उन लोग के पास भगवान बुद्ध की ज्ञान है। क्या कौन सी ज्ञान? भगवान बुद्ध ने बताया ये धन संपत्ति कमा के भरा के रह गया तो काम के लिए रखना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी सब छोड़ के जाना पड़े। कल आप मर गया तो आपका धन लेके जाएंगे? आज रात आप मर के कल सुबह तक मर गया आप पूरा परिवार के साथ, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग, आप लोग तो धन जमा करना चाहिए लेकिन देना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी देना चाहिए, कम से कम 200 रुपया का कुछ देना चाहिए कम से कम। हमारा देश श्रीलंका में हर एक घर में हर एक मम्मी पापा लोग महीना में एक बार दान देते हैं। उन लोग खाता है भात के साथ, बहुत गरीब लोग को कान नहीं खा सकते, चावल के साथ नमक डाल के चावल खाते हैं, या चटनी थोड़ा डाल के चावल खाते हैं, उधर रोटी नहीं चलता है सिर्फ चावल ही खाते हैं, या तो फिर कुछ आलू सिजा के खाते हैं। लेकिन भोजन दान देता है ना संत लोगों को, 15-20 प्रकार का सब्जियां, सबसे अच्छा स्वादिष्ट चावल, इसके बाद अच्छा अच्छा चीज देख रहा चीवर, इसके बाद कंबल, बहुत कुछ पूजा करता है। उसके लिए उन लोग क्या करता है, महीना में एक बार दान दे के फिर पैसा जमा करता है, 5-5 रुपया अगला महीना देना चाहिए। आपको ये बात पे विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे घर में
उसी जगह में भी दान देता है। और सुनाई देता है उसी जंगल में संत लोग हैं, बहुत ध्यान करते हैं, चलो हम लोग दे देंगे उसमें भी। और सुनाई देता उसी जंगल में भी, उधर भी देता है। कुछ समय पहले श्रीलंका पे आ गया सुनामी, सुना है आप लोग? सुनामी मतलब समुद्र पानी धरती पे आता है, 70,000 लोग मर गया, बहुत लोग को, बहुत लोग अनाथ हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति बताया अगर किसको चाहिए तो कपड़ा वगैरह खाना वगैरह दे सकता है। कपड़ा पहाड़ जैसा भर गया उन लोगों का जहाँ कष्ट हुआ वहां पे। अंत में कपड़ा को कुछ नहीं कर सकते, सारे कपड़े जला दिया, इतना सारा कपड़ा भर गया। खाना रोज खाना फेंकता है, नारियल ट्रक आ जाता है, एक गांव में 10-15 ट्रक नारियल आता है, फल आता है। कभी भी किसी को कष्ट आ गया तो लाइन लगा के देता है। इंडिया में भी सुनामी आ गया लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं हुआ, तमिलनाडु में आया सुनामी, ऐसे नहीं हुआ, उन लोगों को दुख मिला बहुत। अगर कोई देने के लिए शुरुआत करना मुश्किल है, देना शुरू किया तो उनको देने का मन बहुत करता है, इसका मतलब लोभ खत्म नहीं, लोभ बहुत कम हो गया। जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका मन में लोभ बढ़ जाएगा, हमेशा मन में आएगा हम कब, हम सब कुछ जमा करेंगे, सब जमा करेंगे, सब जमा करेंगे। इसलिए ये लोभ के कारण क्या होता है, लोभ के कारण भाई अपना भाई का हत्या करता है, बच्चे लोग अपना माँ बाप का हत्या करता है, कभी कभी मम्मी पापा लोभ के कारण अपना बच्चा को काला जादू करके या कुछ ना कुछ करके बिगाड़ देता है जीवन। ऐसा मम्मी पापा लोग भी हम देखे, और दोस्त दोस्त लोग का लड़ाई हो जाता है लोभ के कारण। ये लोभ हमेशा मानव के लिए खतरा है। इसलिए भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले लोग मम्मी पापा बचपन से अपना बच्चा को सिखाता है, बेटा जाकर के दान दे दो, वो अंकल है रास्ता पे भिखारी, एक अंकल है जाके दान दे दो। ये जाके फेंकता नहीं, इज्जत से बच्चा जाके देता है, नमन करता है, ऐसा सिखाता है बचपन में बच्चा लोगों को। बोलता बेटा वो संत जी है, संत मतलब बहुत अच्छा है, माँ से भी ज्यादा अच्छा, पिताजी से भी ज्यादा अच्छा, नमन करो बहुत पुण्य मिलेगा। ये जाकर के हाथ जोड़ने में नहीं आता है, छोटा बच्चा जाकर नीचे नमन करता है संत लोगों को। और सिखाते बेटा ध्यान कैसे करता है, ये आंख बंद करके रहता है, इसको आता नहीं लेकिन आंख बंद करके रहता है। ऐसे इसी प्रकार अगर सभी लोग देना सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी आप लोग को देने का आदत आ गया ना, अभी आप लोग कुछ भी दे सकता है ना। आपसे अगर कोई आके मांग लिया तो हमको एक कपड़ा चाहिए मेरे पास नहीं, दे सकता है, आप लोग तुरंत मन में आता है ना, दे देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा आप अपसेट हो जाते हैं, अगर मेरे पास पैसा रह गया तो हम देते हैं, मेरे पास कपड़ा एक ही पुराना है, दुख हो जाता है, अगर मेरा देने का मौका मिल गया तो अच्छा है। आपको क्यों ऐसे हुआ, आप भगवान बुद्ध की ज्ञान सुने हैं, सुनकर आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा भी दिया, इसलिए आपका मन में लोभ नहीं आता है, अभी दे सकता है। देने वाले लोग कभी गिरता नहीं है, आगे ही बढ़ता है। यहां देखिए यहां माहौल, कोई कोई लूटता है दूसरों से, कभी कभी जमीन बेच के या कुछ ना कुछ काम पे लाखों रुपया लूटता है, लेकिन खाता नहीं, उसी पैसा से पीता नहीं है, उसी इतना पैसा कमा के उन लोग का बच्चा लोग सरकारी स्कूल में पढ़ता है आराम से, क्रेन डीए विज्ञान वर्ग में पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता है सरकारी स्कूल में। क्यों, असाधारण से पैसा कमाएंगे तो उस पैसा भोग नहीं सकता है,
कभी नहीं भोग सकता है। नहीं तो इतना धन अभी यहाँ के लोग के पास है, भगवान बुद्ध के चलते बोधगया के लोग के पास इतना पैसा है, आराम से गाड़ी खरीद सकता है, आराम से कपड़ा खरीद सकता है, मनाली हिमाचल घूम के आ सकता है साल में एक बार, आराम से अपना बच्चा लोग को बड़ा स्कूल में डाल सकता है, लेकिन उस पैसा को इस्तेमाल करने के लिए मन लगता नहीं है। क्यों? असाधारण ढंग से पैसा कमाता है। ये है नियम, ये धर्म है, सनातन धर्म क्या है? असाधारण ढंग से, पाप ढंग से कमाएगा तो भोग नहीं सकता है। कोई कोई दारू बेचता है, दारू बेच के पैसा कमाता है, उस पैसा से बिल्डिंग बनाएगा, दुकान बनाएगा, कुछ समय के बाद बीमार आ जाएगा, उसमें लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, या तो फिर दुकान जल जाता है, कोई ना कोई घाटा हो जाता है, परिवार का कोई कष्ट आ जाता है, कोई ना कोई रास्ता से लूटे हुए धन फिर चल जाता है, या तो फिर बैंक में जमा करके रहता है करोड़ों रुपया, बैंक में जमा करके किसी को पता नहीं, ये मर गया सारे पैसा सरकार का हो गया। कितना ऐसे हुआ होगा आज तक, है ना? कितना लोग का पैसा बैंक में रहते हुए लोग मर गया होगा, कितना लोग कोई बताता नहीं पैसा के बारे में ना, जल्दी कभी कभी माँ पिताजी को बताते नहीं, पिताजी माँ को नहीं बताते हैं, शायद दोनों बातचीत करके रखता है अलग बैंक में, किसी को बताते नहीं इसीलिए। लेकिन पैसा जमा करना चाहिए गृहस्थ जीवन के लिए, पुण्य भी करना चाहिए, सारे पैसे से नहीं। अगर 1,000 पैसा जमा करेगा तो कम से कम 10 रुपया का पुण्य कर सकता है ना, इतना भी तो कर सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, इस दुनिया में एक चीज है कभी नहीं करना चाहिए, वो है पाप। क्यों? पाप करेगा तो अपना शरीर के पीछे पीछे आने वाले चाँद जैसा हमेशा दुख देता है। कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते वैसा परेशान आपको आता है कि नहीं जीवन में, कभी कभी परेशान आता है आप सोचा तक नहीं, कभी कभी दुर्घटना होता है और बहुत रोना पड़ता है पिछले किया हुआ पाप का फल, कभी कभी बिना गलत किए हुए जेल में जाना पड़ता है, कभी कभी बिना गलत के डांट सुनना पड़ता है। क्यों? हम लोग जो किया वो मिल रहा है। कभी कभी आदमी सीधा है, अच्छा है, लेकिन उसको ही दुनिया गाली देता है, शायद वो पिछले जन्म में बहुत गाली दिया होगा दूसरों को। और लोग होता है कहीं भी आकर के कुछ लड़ाई हो गया तो उसको ही पकड़ ले, अपना जीवन में एक चीज हटाना चाहिए, एक चीज लाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? पाप का नाम से जो कुछ है वो सब चीज अपना जीवन से हटाना चाहिए। पुण्य के नाम से जो कुछ है वो सब अपना जीवन में लाना चाहिए। देखिए अभी आप लोगों को ज्ञान सुनाई देता है, पाप का फल है पुण्य का फल है, क्यों नहीं भारत का 120 करोड़ लोगों को सुनाई देता है, क्यों नहीं सुनाई देता है? सबके पास ज्ञान सुनने वाले पुण्य नहीं है। पुण्य एक ही प्रकार का, अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग। किसी को गाड़ी मिलने का पुण्य, कपड़ा मिलने का पुण्य नहीं, किसी को घर बनाने का पुण्य है, किसी को पुण्य है सुंदर होने का, किसी का पुण्य अच्छा अच्छा खाना खाने का, किसी को वो सब कुछ पाने का पुण्य है, किसी को दुख सहन कर रहा है लेकिन ज्ञान सुनने का पुण्य है, किसी के पास वो सब कुछ पुण्य है, और किसी के पास अच्छा से खुशी से रहने का पुण्य है, कोई डांटता नहीं अच्छा से रह सकता है, और किसी को ऐसा नहीं, सब कुछ है
पुण्य भी अलग अलग प्रकार का है। क्यों? जिस प्रकार हम लोग व्यवहार करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, उसी प्रकार हम लोगों को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग सीखना चाहे पहला दो कारण, जितना पाप का नाम से सब हटाना है, पुण्य जितना है वो करना है। भारत में अगर कोई ये ज्ञान की बात बताने वाले बहुत लोग हैं तो आज तक बाराती जा जा के नाच नाच के बीच में टूटा हुआ चेहरा जैसा चिल्ला चिल्ला के फिल्म सीरियल के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के गंदगी गाना सुन सुन के लोग रहेगा नहीं। कम से कम 100 में से 50 लोग भी निकलना चाहिए ज्ञान के लिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इस धरती का ज्ञान की गुरु भी नहीं है, कहेगा ये करो वो करो, ये मंत्र पहनो, ये पहनो यो पहनो, लेकिन मन की क्रोध को मिटाने का रास्ता बताने वाला नहीं, मन की लोभ को मिटाने के लिए रास्ता बताने वाला नहीं, मन की मोह माया अहंकार घमंड को मिटाने के लिए रास्ता बताने वाला नहीं। इसीलिए देश धीरे धीरे अंधेरे में जाता है। भगवान बुद्ध एक दिन बताया, एक व्यक्ति का दुर्लभ है, एक व्यक्ति है वो धरती में बहुत दुर्लभ है। कतान्यु कतवे दी पुगुल दुर्लभ लोकास्मि, कृतज्ञ लोग इस दुनिया में दुर्लभ है। कृतज्ञ मतलब किए हुए मदद को याद रखने वाले लोग बहुत कम है। आप लोगों को किसी से मदद मिल गया तो याद आना चाहिए हमको वो आदमी मदद किया है, वो हमको एक दिन एक लेम चूस दिया, वो भी याद रखना चाहिए। एक बार एक बूढ़ा आदमी आ गया भगवान बुद्ध के पास चीवर पहनने के लिए। फिर भगवान बुद्ध बताए ठीक है बंते लोग साथ रहिए, अच्छा है तो चीवर पहनेंगे पहनाएंगे। एक साल गया, दो साल गया, तीन चार पाँच सात आठ साल गए, चीवर नहीं पहनाता है कोई बंते जी। अंतिम भगवान बुद्ध आने के बाद अभी तक चीवर नहीं पहना। फिर बंते लोग से पूछा क्यों नहीं चीवर पहना दिया इनको? भगवान बुद्ध जी अभी तक तैयारी नहीं है, अभी तक ये व्यक्ति चीवर के लिए तैयार नहीं, अभी तक शांत नहीं है, अभी तक मन बिगड़ा हुआ है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछे अच्छा किसी को याद दे ये आदमी किसी को कभी मदद किया है? सारभूत बंते जी बताए भगवान बुद्ध हमको याद है। क्या सारभूत आपको याद है? कैसे आपको याद है? वो सारभूत बंते जी बताए भगवान बुद्ध जी अभी से 10 साल पहले हम भोजन के लिए रास्ता पे जा रहे थे, जाते समय ये व्यक्ति मुझे एक चम्मच चावल दे दिया। 10 साल पहले भगवान बुद्ध बताया साधु साधु सारे पुत्र साधु, बहुत अच्छा याद है। किया हुआ मदद को वो ऐसे ही याद रखना चाहिए। अच्छा ऐसे तो इनको चीवर पहना दीजिए, कम से कम एक चम्मच चावल दिया ना। देखिए किया हुआ मदद कभी भूलना नहीं चाहिए, भूल गया तो वो असत्पुरुष है या तो फिर सत्पुरुष है, असत्पुरुष है, जानवर जैसा। किया हुआ मदद देखिए, कभी कभी कोई कोई लोग होता है बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन एक भूल से सारे मदद भूल जाता है। एक छोटा सा गलती से बहुत सारे मदद भूल जाता है बहुत लोगों को, ऐसा होता है ना, वर्तमान ऐसा है ना। इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा मदद कौन किए हैं? अपनी माँ एवं पिताजी। आप पेट में रहते समय आपको हत्या नहीं किया है, आपका अपना दूध पिलाया है, पाले हैं, पोसे हैं, सबसे ज्यादा मदद उन दोनों आपको किया है। इसके बाद आपका दोस्त लोग, मित्र लोग, गुरु लोग आपको मदद किया, सारे मदद कभी भूलना नहीं चाहिए। मदद भूल जाता है मतलब पतन हो जाता है। बोध गया देखिए, बोध गया अगर भगवान बुद्ध नहीं है तो बोध गया अभी देहात है, गोइनिया बेलहांटी बाकी बाजार जैसा,
अभी तक ये एकदम कौन सी जगह है, देहाती। भगवान बुद्ध यहाँ आके ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए विदेशी लोग बहुत सारे आने लगा भगवान बुद्ध दर्शन के लिए। उन लोगों की चलती दुकान बन गया, उन लोग के लिए होटल बन गया, उन लोग के लिए इतना सारे बन के लोग पैसा कमाता है। तो इन लोगों का मन में याद आना चाहिए, हम लोगों को इतना सारा पैसा धन मिलता है भगवान बुद्ध के चलते, इसीलिए हम लोग भगवान बुद्ध जो बताया हुआ रास्ता पे जाएंगे। क्या है रास्ता? सारे पाप नहीं करना है, एक भी पाप, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा कुछ नहीं, चुगली नहीं, गाली नहीं, फालतू फालतू बात नहीं, गुस्सा भी खत्म करना है, क्रोध भी हटाने के लिए कोशिश करना है, दान देना है दूसरों को, मेहनत करना चाहिए। इसके बाद उन लोग मनन करना चाहे भगवान बुद्ध ने बताया पुण्य करने के लिए, हम लोग पुण्य करेंगे। भगवान बुद्ध ने बताया मन पवित्र करने के लिए, गंदगी को हटा के ऐसा सोचेंगे तो वो कृतज्ञ है। लेकिन कौन ऐसा करता है? लोग सोचते हैं ईश्वर की दुआ है, ऊपर वाला का मदद से हम लोग आगे बढ़ गया, आप लोग अच्छा अच्छा घर बनाया है, ऊपर वाला का देन है, आप लोग अच्छा अच्छा से अपना बच्चा लोग भी आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाला का देन है, ऐसे बोलते हैं, समझते नहीं। इसीलिए ये बात आप लोग याद रखिए, हम लोग हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को कौन मदद किया है? माँ एवं पिताजी, उन दोनों को आजकल लोग नमन करने में शर्म लगता है ना, पैर चूने में लोग शर्म आता है, कौन चुएगा? कभी शर्माना नहीं चाहिए, एक शब्द से डांटना नहीं चाहिए, एक बार भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, भगवान है ना। इसके बाद अपना गुरु लोग, गुरु लोगों का भी बदनाम नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, आप लोग अगर कोई गलत काम करेगा तो कौन डांट सुनेगा? आपका माँ एवं पिताजी। किसका बच्चा है ये? कौन पैदा किया ये जानवर को? ऐसे डांटते हैं ना। अगर आप अच्छा करेंगे तो, पुण्य करके, ध्यान करके, अच्छा से पढ़ाई करके आप खुशी से जीवन बिताएंगे तो कौन ये देवता भगवान जैसा बच्चा को कौन जन्म दिया? कितना अच्छा संस्कार है, गुरु लोग आते से आते समय ना उठता है कुर्सी से, नमन करता है, कौन ऐसा बच्चा को जन्म दिया? वो तो भगवान जैसा है, कौन है? मम्मी पापा का, मम्मी पापा को लोग नाम लेता है, बदनाम भी वैसे ही है। इसीलिए हम लोग हमेशा अपने लोगों को इज्जत दिलाने के लिए खुद सुधरना चाहिए, करुणा, मैत्री, दयानुकंपा से। एक दिन, अभी समय हो गया इसलिए हम अंतिम बात बता देंगे, एक दिन अग्निदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, कोसल राजा का पिताजी का समय करा समय में कोसल राजा का पिताजी को उपदेश दिया था। इसके बाद कोसल, उत्तर प्रदेश का कोसल राजा आ गया, उसको भी उपदेश दे रहे थे। लेकिन अग्निदत्त ब्राह्मण बूढ़ा है, ये सोचने लगा अभी हमको ये घर द्वार का मतलब नहीं, बूढ़ा है, हम जाएंगे जंगल में ध्यान करने के लिए। तो ये क्या किया, 7 दिन तक अपना घर द्वार का सारे धन संपत्ति सबको बांट दिया, बहुत धन था, सब गरीबों को सबको बुला के बांट दिया, बांट के जाने लगा। 10,000 लोग बताया हम लोग भी आएंगे आपके साथ, अग्निदत्त ब्राह्मण के साथ 10,000 लोग आ गया। इन लोग जाकर के ऋषि बन गया, ऋषि बन के नदी के किनारे रहता है, रोज उपदेश देता है, तुम लोगों विमुक्ति चाहिए तो पेड़ पौधा को नमन करो, पानी को नमन करो, सूर्य जी को नमन करो, तुम लोग को विमुक्ति चाहिए मंदिर को जा, मंदिर में जाओ नमन करो, तुम लोग पत्थर को नमन करो, झरना को नमन करो, तुम लोग विमुक्ति प्राप्त करेगा, ऐसे उपदेश देता है 10,000 लोगों को। इसका बोलता है तुम लोग का मन में अगर
राग उत्पन्न हो गया तो, गुस्सा आ गया तो, उस नदी से एक कठोरा बालू ला करके इस जगह पे डाल दो। 10,000 लोग है ना, कुछ समय जाने के बाद बहुत बड़ा बालू का पर्वत बन गया, बहुत बड़ा पर्वत बन गया बालू का। इसके बाद भगवान बुद्ध दे के उसी दिन ये अग्निदत्त ब्राह्मण को ज्ञान समझने का पुण्य है। भगवान बुद्ध मोगल्लान बंती जी जानते हैं ना, सबसे रिद्धिमान है मोगल्लान बंती जी को, तो मोगल्लान अग्निदत्त के पास जाइए। भगवान बुद्ध जी अग्निदत्त ब्राह्मण के पास, 10,000 लोग हैं, हम अकेले कैसे संभालेंगे, आप आगे जाइए हम पीछे आएंगे। मोगल्लान बंती जी अग्निदत्त ब्राह्मण के पास गया, जाके बताया ब्राह्मण मेरा नाम मोगल्लान, हाँ बताए क्या काम है, हमको आज यहाँ रह सकता है, नहीं रह सकते यहाँ जगह नहीं है, प्लीज कृपा करके हमको एक रात दे दीजिए रहने के लिए, यहाँ जगह नहीं है। दोस्त 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 को खोज के जाता है रहने के लिए, जानवर जानवरों के पास जाता है, संत लोग के पास जाता है, हम भी आपके पास आए, रहने दीजिए ना जगह, नहीं यहाँ रहने का जगह नहीं, जाओ यहाँ से। उसी बालू का पर्वत के पास कौन रहता है, कोई नहीं, वहां हम रहेंगे, उधर बहुत बर्बाद हो जाएगा, वहां एक बहुत खतरनाक नाग है, वो नाग बहुत खतरनाक है, तुमको खत्म कर देगा वहां गया तो, बात कोई बात नहीं, हम जाएंगे आज रात वहां रहेंगे। मोगल्लान बंती जी उस पहाड़ के पास जाते समय नागराज देखा, एक संत आ रहा है यहाँ पे, यहाँ रहेगा लगता है, आने के पहले उसको डराएंगे, ऐसे करके अपना मुंह से पूरा धुआं निकाल दिया। मोगल्लान बंती जी क्या किया, तुम धुआं निकाल रहा है, क्या समझते हैं मेरे बारे में, पूरा अपना शरीर से उससे भी ज्यादा धुआं निकाल दिया, पूरा पहाड़ धुआं से बंद हो गया। इसके बाद धुआं खत्म होने के बाद मोगल्लान बंती जी शांति से बैठा हुआ, नागराज थक गया। इस वक्त नागराज सोचा ठीक है हम तुम्हारा शरीर जला देंगे, पूरा आग निकाल दिया। मोगल्लान बंती जी अपना पूरा शरीर से आग निकाल दिया, नागराज जल गया। रात भर ये हुआ था, सभी लोग सोचने लगा आज एक संत चला गया ऊपर, बेचारा हम लोग बताया उसको नहीं जाने के लिए, वहां जबरदस्ती गया, सुबह गया, बेचारा का मुर्दा पता नहीं है या नहीं जलाने के लिए। ऐसे जाने के बाद देख लिया मोगल्लान बंती जी नाग की नाग शरीर से मोड़ के रखता है ना गोल करके, उसके बीच में बैठा हुआ नागराज ऊपर से एक फन दिखा के रहता है। तो मोगल्लान बंती जी से रहना देख के सभी लोग आश्चर्य हो गया, बाप रे नागराज को दमन किया, कैसा शांत है ये, लगता है ये इस पूरा ब्रह्मांड का सबसे पावर यही है। इसके बाद भगवान बुद्ध आया उसी जगह पे, मोगल्लान बंती जी बताया हम गुरु नहीं, मेरा गुरु ये है। सभी लोग सोचने लगा चेला ऐसा है तो गुरु कैसे होगा, सभी लोग बैठ गया। बैठने के बाद अग्निदत्त ब्राह्मण से भगवान बुद्ध पूछा, अग्निदत्त आप अपना शिष्य लोगों को क्या सिखाता है, क्या क्या करने के लिए सिखाता है। इसका अग्निदत्त ब्राह्मण बताया भगवान बुद्ध हम सिखाते हैं पूरा पर्वत शरण जाओ, जंगल शरण जाओ, मंदिर शरण जाओ, नदी शरण जाओ, उन्नुक नमन करो, पूजा करो, विमुक्ति मिल जाएगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ये सुंदर गाथा बताया, अग्निदत्त बताया भगवान बुद्ध अग्निदत्त वो फालतू चीज से कभी किसी को विमुक्ति नहीं मिलता है। उन्होंने बताया बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चेत्यानि मनुष्या भय तज्जिता। धरती पे रहने वाले मानव डर के मारे, हमको वो कष्ट आएगा ये कष्ट आएगा, ऐसे डरते डरते पर्वत के पास
जा करके, मंदिर पास जाके, जगह जगह पे दिया जला के हर जगह शरण जाता है। किस कारण से? डर के कारण, ताकि हमको जीवन सुरक्षा हो। इसका तो उन्होंने बताया, नेतं को शरणं खेमं, नेतं शरणमुत्तमं, नेतं शरणमागमं, सब दुःखापमुच्यते। ये असली शरण नहीं है, इस शरण से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। इसी शरण में आकर के, कौन सा शरण? पेड़ पौधा, मंदिर, गुफा और इत्यादि, नदी इत्यादि, जंगल इत्यादि, ये शरण में आ गया तो कभी दुख से मुक्त नहीं होता है। योच बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मपञ्ञाय पश्यति। लेकिन जो लोग भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, उनकी ज्ञान की शरण में जाते हैं, शरण जा करके अपना जीवन का सारे पाप को हटा के, मन पवित्र करके ज्ञान की रास्ता पे जाते हैं, एतं को शरणं खेमं, एतं शरणमुत्तमं, एतं शरणमागमं, सब दुःखापमुच्यते। यही है असली शरण। कौन सा शरण? जो भगवान बुद्ध की शरण में आता है, उनकी ज्ञान की शरण में आता है, यही शरण सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी शरण में आकर के सभी लोग सभी दुख से मुक्त हो जाता है। कैसे? भगवान बुद्ध के शरण में आ गया तो भगवान बुद्ध की बात मानना पड़ेगा ना। भगवान बुद्ध ने बताया, क्रोध को मिटाने के लिए, लोभ को मिटाने के लिए, दान देने के लिए, सील सुरक्षा करने के लिए, संस्कार को सुरक्षा करने के लिए, अनुशासित होने के लिए, दूसरों की इज्जत करने के लिए, प्रेम प्यार को बढ़ाने के लिए, प्रेम भाव से रहने के लिए, सभी लोग को एक समान मानने के लिए गुणधर्म बताया, मानना पड़ेगा। ये ज्ञान मानने से सभी लोगों का जीवन खूबसूरत हो जाता है, नहीं तो बर्बाद। भगवान बुद्ध ने बताया, एक शादी होता है राक्षस राक्षसनी के साथ, वो कैसा है? पति भी हत्या करता है, पत्नी भी हत्या करती है, पति भी चोरी करता है, पत्नी भी चोरी, पति भी व्यभिचार, पत्नी भी व्यभिचार, पति भी झूठ बोलता है, पत्नी भी झूठ बोलती है, पति भी नशा करता है, पत्नी भी, दोनों पाप करता है, उसी परिवार राक्षस राक्षसिनी साथ रहना जैसा है, दुख से दुख। और एक परिवार देवता राक्षस राक्षसिनी के साथ रहना जैसा, मतलब पति अच्छा है, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते, लेकिन पत्नी बदमाश, कभी ज्ञान सुनता ही नहीं है, पाप करते रहती है। और एक परिवार है देवी राक्षस के साथ रहता है, वो क्या है? पत्नी एकदम सीधा अच्छा है, ध्यान करती है, ज्ञान सुनती है, पुण्य करती है, पाप नहीं करती है, तथा अपना घर का काम भी अच्छा से करती है, पति को भी इज्जत करती है। पति ऐसा नहीं, पति गलत काम करता है, दूसरों इसी औरत के पास जाता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, पाप करते रहता है, वो परिवार कैसा है? देवी राक्षस के साथ रहना जैसा है। और एक परिवार, खूबसूरत परिवार, देवी देवता के साथ रहना जैसा, पति भी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते हैं, पत्नी भी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते हैं, दोनों ध्यान करते हैं, दोनों ज्ञान सुनते हैं, दोनों दान देते हैं, दोनों पुण्य करते हैं, दोनों पाप नहीं करते हैं, दोनों खुशी से मिलजुल के रहते हैं, वो देव वो घर कैसा है? देवता देवी के साथ रहना जैसा परिवार, ऐसा परिवार बहुत मुश्किल से मिल जाता है ना। इसलिए आप सभी लोगों के सुंदर ज्ञान के साथ हम लोग कल मिलेंगे 5 बजे, यहाँ पे आ जाइए।
आप सभी लोगों को भी भगवान बुद्ध की आशीर्वाद से, देवताओं की मदद से, ये ज्ञान की शक्ति से आप सभी लोगों को शांति से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। सा